दोस्तों नागपुर पूरे भारत में अपने पोहे के लिए फेमस है। दोस्तों सभी ने केपी वाले पोहे के बारे में सुना है, बट नागपुर में एक ऐसे पोहे वाला है जो अपने स्पाइसी पोहे के लिए पूरे नागपुर में फेमस है। दोस्तों यहाँ का पोहा इतना टेस्टी और स्पाइसी होता है कि आपका पूरा मुंह लाल हो जाएगा। दोस्तों ये पोहे का टेस्ट इतना अच्छा है कि आपको मजा आएगा। दोस्तों ये वीडियो आखिर तक देखिए, हमने इसका लोकेशन आपको बताया है। हमारे स्पाइसी नागपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल बटन दबाइए। दोस्तों अगर आपको नागपुर का सबसे स्पाइसी पोहा टेस्ट करना है तो आप नागपुर महल के नटराज लगे चौक पर आइए, जहाँ का मयूर नाश्ता सेंटर का स्पाइसी पोहा खा के आपको मजा आएगा। दोस्तों बहुत स्पाइसी और मजेदार पोहा है इनका, टेस्ट करें आप। कितने साल हो गए आपको यहाँ? थोड़ा रसा ठाकुर अपने लिए 96 से। दोस्तों इन्होंने बताया कि ये जो सारी चीजें है ये घर में खुद बनाते हो। जैसे आपको ये सेव दिख रहे होंगे, यहाँ का चिवड़ा, ये सारी चीजें ये घर में ही बनाते हैं, इसलिए दोस्तों इनका टेस्ट निखर के आता है। दोस्तों यहाँ पे जो पोहा खाने वाले बहुत सारे लोगों ने बताया है कि यहाँ की जो तर्री है वो बहुत स्पेशल है। दोस्तों यहाँ की तर्री खाने के लिए लोग काफ़ी दूर से आते हैं। सच में दोस्तों इनकी तर्री का कलर भी रेड है और दोस्तों सच में बहुत ही स्पाइसी दिखती है, इसीलिए यहाँ का पोहा इतना स्वादिष्ट होता है। ये कितने सालों से स्टॉल है अपने यहाँ पे? छन्नो से। अच्छा टाइमिंग क्या रहता है? सुबह 8 से फुल टाइम। अच्छा कोरोना के वजह जो टाइमिंग था वो चेंज हो गया इसके वजह से जो दोपहर की जो कस्टमर थे बने हुए उनके वजह से भी फुल टाइम करना पड़ा। क्या दोपहर के जो कस्टमर है उनको छोड़ नहीं सकते थे ना, बने बनाए। दोस्तों जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पोहे के प्लेट का अंबार लगता है। दोस्तों यहाँ एक साथ 150 से 200 प्लेटें लगती है और क्षण मात्र में ही ये सारी प्लेटें सोल्ड हो जाती है। दोस्तों इतनी सारी प्लेटें देखना हमारे लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस है, बट दिन भर में यहाँ कितनी प्लेट बिकती है ये भैया को भी नहीं पता। कितने रुपये प्लेट है? 20 रुपये हाफ, 30 रुपये प्लेट है, आधा रेट वाले कारण की। हाँ काका जी 25 रुपये हो गए। पुराने आमदार इसमें आलू भी स्पेशल देते ना? हाँ आलू अलग है, आलू वगैरह जैसा कस्टमर ने मांगे। दिन भर में कितना पोहा बिक जाता होगा? क्या बोले? दिन भर में कितना पोहा बिकता होगा? अभी दुकाना है अभी तो कस्टमर कम हो जाते। हाँ कितने साल हो गए आपको यहाँ? थोड़ा रसा ठाकुर अपने लिए 96 से। और प्राइस कितने रहता पोहे का? पोहे का प्राइस है अभी 20 रुपये और 30 रुपये। 20 रुपये 8, 30 रुपये प्लेट। और टाइम क्या है? टाइमिंग है सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे। पहले 1 टाइम था, बाद में 2 टाइम हो गया,
अभी फुल टाइम हो गया। और कितना पोहा बिकता होगा दिन भर में अंदाजे? अंदाजे बिक जाता है 20-25 किलो। कस्टमर के ऊपर है। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों हमको यकीन है कि आपको ये पोहे का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे बहुत मेहनत करते हैं, तो याद से प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों तो चलो हमारी पोहे की प्लेट लग के रेडी है, तो चलो हम आपको इसका रिव्यू भी बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। आज हम आपको लेके आए हैं मयूर पोहा सेंटर पर। ये उनकी स्टॉल जो दिख रही है 20 साल पुरानी स्टॉल है। और दोस्तों ये जैसे कि अभी आपने प्रिपरेशन देखा ही होगा, ये उनकी पोहे की प्लेट है। दोस्तों आपने नागपुर में देखा होगा कि बहुत जगह पोहे के साथ जो टमाटर देते हैं, इनका कंसेप्ट थोड़ा अलग है। ये पोहे के साथ जो आलू है वो देते हैं। जैसे कि अभी प्लेट में देख रहे होंगे, सेव दिख रहा है, चने दिख रहे हैं, प्याज दिख रहे हैं, और स्पेशली यहाँ की जो आपने ग्रेवी देखा होगा वो बहुत ही तेज है। दोस्तों अगर आपको नागपुरी स्टाइल में पोहा खाना है तो आप जरूर आए। चलो हम इसको आपको टेस्ट करके बता दें इसका टेस्ट कैसा है। दोस्तों इसका टेस्ट तो वाकई नागपुरी, टिपिकल नागपुरी स्टाइल में है। पोहा स्पाइसी है और खाने के बाद इसका अलग ही फ्लेवर मुंह में आता है। आप जरूर आए यहाँ पे, आप टेस्ट करें, आपको कैसा लगता है कमेंट में बताएं।